Hello, good morning. Say good morning. How are you all? Fine ना? चलो अब हम आप तो डेली ऐसे ही मिलने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट ना? जब स्कूल आएंगे तब पता चलेगा और तब हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, राइट ना? तो चलो अब हम क्या करेंगे, आज हमने वापस प्रेयर करनी है ना गॉड से, तो चलो जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज स्टार्ट. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. चलो अब रेडी हो ना आप आगे का लेटर सीखने के लिए. एबीसीडी हम सीख रहे हैं ना, स्मॉल और कैपिटल दोनों एबीसीडी एक साथ सीख रहे हैं, राइट? तो हमने पहले क्या सीखा, ए ई सी डी ई एफ, एफ तक सीखा, राइट? अब आप क्या सीखा हमने, अब तक एफ तक सीखा ना, तो आज क्या सीखेंगे हम, जी सीखेंगे, कैपिटल जी और स्मॉल जी. ओके, उसके लिए आप रेडी हो ना, अपनी बुक लेकर. सब अब तो सबके पास बुक आ ही गई होगी, शायद सबने ले ही ली होगी, और नहीं ली है तो कोई बात नहीं, आप अपने पास कोई रफ बुक हो या फोर लाइन की बुक हो वो लेकर बैठना. ओके, और फोर लाइन की भी ना हो तो आपको कोई भी बुक हो उसमें फोर लाइन ड्रॉ करनी है, मम्मी को बोलना ड्रॉ कर दे, फिर आपको उसमें लिखना है, राइट? तो अब मैं क्या सिखाऊंगी आज, कैपिटल जी और स्मॉल जी सीखना है ना. तो पहले हम ये देखेंगे कि कैपिटल जी और स्मॉल जी किसे बोलते हैं, तो उसका ये आपको पहले पता होना चाहिए. ये दोनों जी मैंने लिखा है, राइट? तो इससे कौन सा कैपिटल है कौन सा जी है वो तो आपको पता होना चाहिए ना. तो ये क्या है, फर्स्ट है वो कैपिटल जी है, राइट? और सेकंड वाला स्मॉल जी है. ओके, जो फर्स्ट वाला कैपिटल जी है उसका फर्स्ट दो बॉक्स में यूज हुआ है, राइट? और सेकंड वाला जो स्मॉल जी है ना उसका सेकंड और थर्ड ये बॉक्स में यूज हुआ है, राइट? उसमें पहले में थर्ड वाला बॉक्स खाली है और सेकंड में फर्स्ट वाला बॉक्स खाली है, राइट? तो ये क्या है, जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी. तो अब हमको ये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, चलो मैं आपको ये सिखाती हूँ कि स्मॉल जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी कैसे बनाते हैं. उसके लिए पहले हम, आपके पास तो बुक है तो आपको तो बुक में ही करना है, मैं ड्रॉ करूंगी वैसा नहीं करना है आपको, इसी तरह बस गेट बैठ हो तो कर सकते हो, राइट? तो अब ये तीन लाइन वाली बुक है, सॉरी तीन बुक्स वाली बुक है ना आपके पास, तो आपको पेंसिल कहाँ पे रखनी है, आपकी यहाँ रखनी है, यहाँ दी सेंटर पॉइंट में यहाँ पेंसिल रख के यहाँ से स्टार्ट करना है. चलो सब मेरे साथ करो, काऊ ऊपर करना है, ये आप सर्कल करो, काऊ फिर थर्ड लाइन पर ले जाना है, फिर वापस सेकंड लाइन पे आना है, फिर वहां से स्वीपिंग लाइन करनी है, फिर वहां से स्टैंडिंग लाइन कर देनी है. तो ये हो गया हमारा कैपिटल जी. अगेन देखो, काऊ करके फर्स्ट सेकंड लाइन को टच किया, फिर वहां स्वीपिंग लाइन बनाई, स्लीपिंग लाइन फिनिश हो गए स्टैंडिंग लाइन. तो ये हो गया हमारा कैपिटल जी, कैपिटल जी. अगेन एक बार, आओ फिर स्लीपिंग लाइन फिर स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया कैपिटल जी. देखो ये थर्ड बॉक्स का यूज नहीं हुआ हुआ ना. अब हम स्मॉल जी सीखेंगे, तो स्मॉल जी में हम सेकंड बॉक्स से स्टार्ट करेंगे, राइट? यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे ये सेंटर पॉइंट से यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्कल बनाना है. देखो ये सर्कल, फिर स्टैंडिंग लाइन नीचे तक ले जानी है, फिर वहां से कव करके छोड़ देना है. तो ये हो गया हमारा स्मॉल जी. देखो सर्कल बनाया, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर कव करके छोड़ दिया लास्ट बॉक्स में. चलो ऐसे भी बोल सकते हैं, काऊ और स्टैंडिंग लाइन और काऊ ऐसे भी कर सकते हैं, और सर्कल ऐसे करके स्टैंडिंग लाइन और काऊ करके छोड़ देना है. चलो ये हो गया हमारा स्मॉल जी, सर्कल स्टैंडिंग लाइन और काऊ काऊ करके छोड़ देना है, ये हो गया हमारा स्मॉल जी. कैपिटल जी और स्मॉल जी से फर्स्ट बॉक्स का यूज नहीं हुआ, देखा आपने, इसमें लास्ट का भी यूज नहीं हुआ. अब ये दोनों का पिक्चर तो सेम ही होगा, दोनों जी है तो जी फोर सेम ही होगा, जी फोर गॉड, जी फोर जिराफ, जी फोर ग्रेस, वो सब सेम ही होता है. तो जी फोर क्या होता है, ग्रेस, सबके पसंद होती है ना ग्रेस, फ्रूट में आती है, ग्रीन कलर
होती है, पर्पल कलर की भी होती है, तो क्या है? जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स राइट, जी फॉर ग्रेप्स और जी फॉर गावा, वो भी होता है ना, गावा यानी कि जामफल, गुजराती में जामफल बोलते हैं ना, वो गावा, जी फॉर गावा, जी फॉर ग्रेप्स और जी फॉर, और क्या होता है जो हम बर्थडे में किसी के जाते हैं तो हम क्या लेके जाते हैं उसके लिए? चलो चलो कौन बताएगा? हम उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं ना, तो जी फॉर गिफ्ट, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर गावा, जी फॉर गिफ्ट और जी फॉर जीरा, जो एनिमल में आता है ना, एनिमल जिसकी नेक कितनी होती है, लंबी होती है ना, वो जी फॉर जीरा, जिसकी नेक लंबी होती है ऐसी, उसके ऊपर सर्कल सर्कल वाले ऐसे बॉडी पे होते हैं, ऑरेंज कलर का होता है ना, जी फॉर जीरा, जी फॉर जीरा, जी फॉर जीरा राइट, जी फॉर गिव, जी फॉर ग्रेप, जी फॉर गावा और जी फॉर गोट भी होता है, जो होते हैं ना हमारे ऐसे वो दूध देने वाली छोटी गोट यानी कि बकरी, गुजराती में उसे बकरी बोलते हैं, जी फॉर गोट भी होता है, ओके, जी फॉर गोट और यानी कि भगवान, भगवान भी होता है ना जी फॉर, ओके। तो हमारे कौन सा क्या था? कैपिटल जी स्मॉल जी, जी फॉर ग्रेप, जी फॉर गावा, जी फॉर गिव, जी फॉर जीरा राइट। अब मैं आपको बुक में दिखाऊंगी राइट, ये बुक में हमको देखो, ये बुक में आपने दिया है ना कैपिटल जी है, वो फर्स्ट लाइन है और दो सेकंड लाइन है, वो आपको ट्रेसिंग करनी है, उसके ऊपर को पेंसिल चलानी है और ये बाकी की लाइन है वो आपको लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है तो मैं वापस आपको लिखकर बताती हूँ, ये यह पॉइंट है, ये पॉइंट से हमको ऐसे कर्व करके थर्ड लाइन पे जाना है, फिर वहां कर्व सेकंड लाइन पे जाके स्लीपिंग लाइन करनी है, फिर स्टैंडिंग लाइन कर देनी है। ये हो गया हमारा कैपिटल जी, कर्व किया फिर सेकंड लाइन को टच करके स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, कर्व स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, कर्व स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, ये हो गया हमारा कैपिटल जी, जी फॉर जीरा, जी फॉर ग्रेप्स। अब ये लाइन आपको अपने आप करनी है, मम्मी की हेल्प लेकर ये पेज फिनिश करना है राइट। फिर पेज टर्न करके हम स्मॉल जी है ना, स्मॉल जी सीखना है, तो वहां भी हमने देखो यार रेड कलर का डॉट किया है ना, वहां से स्टार्ट करना है, सर्कल बनाना है, यहाँ से ऐसे सर्कल बना के फिर स्टैंडिंग लाइन नीचे तक ले जानी है, फिर वहां से कर्व करके छोड़ देना है। तो ये हो गया हमारा स्मॉल जी, देखो सर्कल स्टैंडिंग लाइन कर्व करके छोड़ दिया, सर्कल स्टैंडिंग लाइन और कर्व करके छोड़ दिया, सर्कल सर्कल फिनिश मतलब स्टैंडिंग लाइन और कर्व करके छोड़ देना, ये हो गया हमारा स्मॉल जी। अब ये ऐसे आपको यहाँ पे मेरे साथ करनी है और बाकी जो है वो आपने आप घर पे करनी है राइट। तो ये हो गया हमारा स्मॉल जी, या स्मॉल जी गोट, जी फॉर गोट और जी फॉर गिफ्ट। अब हम क्या करेंगे, ये होमवर्क में आपको आएगा, बिजी बी टाइम, ओके। तो आपको ये होमवर्क में करना है, क्वेश्चन है उसके आंसर लिखने, फॉर एग्जाम्पल राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ ईच पिक्चर। तो आपको जो जो पिक्चर यहाँ पे दिए है ना वो कौन से लेटर से स्टार्ट कर होते हैं वो लिखने हैं आपको। तो ये कौन सा पिक्चर है, गावा का, तो क्या होता है, जी फॉर गावा। तो ये सर्कल में आप क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे राइट। अब ये क्या है, डक, डक का पिक्चर, तो डी, डक कौन सा लेटर से स्टार्ट होती है, डी से, तो डी फॉर डक, तो यहाँ डी लिखना है। और ये जिंजर, तो यहाँ जी लिखना है राइट, जी फॉर जिंजर। फिर यहाँ हम से हमारे ये क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लेटर लिखना है, क्या लिखना है, स्मॉल वाला जी नहीं, फर्स्ट जी लिखना है, ओके, जी फॉर गावा का स्मॉल कैपिटल जी, फिर कैपिटल डी और कैपिटल जी, ये कैपिटल फर्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स बाय एडिंग जी। तो ये सेकंड क्वेश्चन में हम स्मॉल जी का यूज करेंगे राइट, उसमें दिया ही है देखो स्मॉल जी।
तो ये आप यहाँ पे आगे जी लगाओगे ना तो स्पेलिंग बन जाएगा। तो हमने यहाँ आगे जी लगाया स्मॉल जी, तो क्या हो गया जी ई एम गेम जेम हो गया ना, जी ई एम जेम। जेम यानी कि एक प्रकार का रत्न होता है, जैसे हम डायमंड होता है ना ऐसे एक प्रकार का मानिक होता है वो जी ई एम जेम। फिर ग्लो जी एल ओ डब्ल्यू ग्लो, जब हम हमारा फेस वॉश करते हैं तो हमारे चेहरे पर क्या आता है, ग्लो आता है ना, चमक का चमक बोलते हैं उसे ग्लो, तो जी एल ओ डब्ल्यू ग्लो। और यहाँ जी लगाया तो जी ई एम ई गेम, जी ई एम ई जी ई ए जेम राइट। तो यहाँ हमने जी लगाया तो जी ए एम ई गेम राइट ओके। और यहाँ जी लगाया तो जी ई एल जेल, एक प्रकार की जेल होती है जो हमारे हेयर पर हम जाते हैं हेयर कटिंग करने के लिए, तो बार बार लगाते हैं जेल लगाते हैं हमारे, क्योंकि हेयर में शाइनिंग आती है उसके लिए जेल लगाते हैं ना वो जेल, जी ई एल जेल। तो ये क्या जी ई एम जेम, जी एल ओ डब्ल्यू ग्लो, जी ए एम ई गेम और जी ई एल गेम जेल। ये हम अगर जी लगाए तो आगे स्पेलिंग बन गया है ओके। ऐसे करना है। फिर क्वेश्चन थ्री, कलर द गावा, तो इसमें गावा कौन से कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का होता है ना, तो आपको यहाँ ग्रीन कलर करना है, कंप्लीट करना है। फिर ये होमवर्क आपको कर फिनिश हो जाए ना, तब जब आप स्कूल आओगे तब मैं आपका ये होमवर्क देखूंगी। और यहाँ आपको स्टार एक्सीलेंट है ये गुड है कि एवरेज में हो, मैं आपको यहाँ सबसे अच्छा उसको तीन हैप्पी फेस मिलेगी यानी कि एक्सीलेंट मिलेगा ओके राइट। तो आज के दिन हम इतना ही करेंगे, जी जी सीखा ना, अब कल क्या सीखेंगे, जी के आगे आएगा क्या एच आएगा, तो कल हम स्मॉल एच और कैपिटल एच सीखेंगे। तो आज के दिन इतना ही ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।